Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the MCQ series which we have started yesterday. तो ये MCQ series का lecture number 2 है. तो अगर आपने lecture number 1 अभी तक नहीं देखा तो lecture number 1 को भी देखें, उसका link मैं description में दे रहा हूँ, वहाँ से आप check कर सकते हैं. काफ़ी important MCQs we were discussing about TYBCOM semester 6. तो जो ये जो MCQs है इसके वजह से आपके काफ़ी सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, एंड विच विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. दैट इज 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है वो आपका इजीली इससे सॉल्व हो सकता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर सेकेंड. तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट MCQs लाए हैं जिसके वजह से आपके और बहुत सारे बेसिक्स को क्लियर किया जा सकता है. तो लेट अस स्टार्ट. द क्वेश्चन नंबर 1 is the amalgamation requires approval of number 1 is high court, number 2 registrar of companies, number 3 central government, and number 4 is directors. तो जो amalgamation किया जाता है उसके लिए permission लेना बहुत जरूरी है, और permission लिया जाएगा high court का. तो amalgamation के अंदर permission लिया जाएगा हाई कोर्ट का. तो हाई कोर्ट से ही परमिशन हमें लेना है, उसके बाद ही हम अमालगमेशन कर पाएंगे, वरना हम अमालगमेशन कर नहीं पाएंगे. तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इज गवर्न्ड बाय. तो इफ यू रिमेंबर हमने लेक्चर नंबर 1 में फॉरेन करेंसी के बारे में डिस्कस किया था. फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बताया था मैंने आपको, AS 11. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 डील्स विद फॉरेन एक्सचेंज. एंड अमालगमेशन के रिलेटेड अगर देखा जाए तो अमालगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. तो ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ध्यान से याद रखना है, इसके ऊपर एक ट्रू और फॉल्स या एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो अमालगमेशन के लिए देर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑन अमालगमेशन एज अ परचेज ऑफ बिजनेस असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एट. द ऑप्शंस आर मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, एग्रीड वैल्यू एंड नन ऑफ द अबव. तो जब हम अमालगमेशन करते हैं, जब हम बिजनेस को परचेस करते हैं, बिजनेस असेट्स को और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर्ड करते हैं, तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड एट द एग्रीड वैल्यू. तो एग्रीड वैल्यू में ट्रांसफर होगा, याद रखना. तो एग्रीड वैल्यू मतलब जितनी भी उसकी वैल्यूज है उसके बेसिस पे उसको ट्रांसफर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एग्रीड वैल्यू. नेक्स्ट इज द बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द FEF चैप्टर. जो आपका FEF का बैलेंस आता है वो हम 31 मार्च को बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं. दैट बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड FEF अकाउंट. काफी इजी है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इसका बैलेंस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड इन लिस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने कल डेफिशिएंसी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट एच में जाएगा. तो ये है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड इन लिस्ट सी, लिस्ट बी, लिस्ट डी, लिस्ट ई. तो ये आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा. तो इसका सही आंसर है लिस्ट सी. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से लिस्ट में इंक्लूड होंगे, लिस्ट सी में इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस विच डोंट हैव स्टैंप ऑफ द अंडरराइटर्स इज कॉल्ड. तो कल हमने पढ़ा था विच हैव स्टैंप ऑफ द अंडरराइटर्स. तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे दिया है विच डोंट हैव स्टैंप ऑफ द अंडरराइटर्स. जिस किसी एप्लीकेशंस पे अंडरराइटर्स का स्टैंप नहीं होगा उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा अनमार्क एप्लीकेशंस. तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनमार्क एप्लीकेशंस. तो अनमार्क एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कल हमने मार्क के बारे में पढ़ा था, जिसके ऊपर स्टैम्प रहेगा दैट इज मार्क एप्लीकेशन, जिसके ऊपर स्टैम्प नहीं रहेगा दैट इज अनमार्क एप्लीकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑडिट ऑफ LLP दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज कंपल्सरी व्हेन. ऑडिट कब कंपल्सरी है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो. कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स ₹25 लाख, टर्न ओवर एक्सीड्स ₹50 लाख, Turnover is less than 20 lakhs या none of the above. तो none of the above तो इसका answer हो नहीं सकता, इन तीनों में से ही एक answer है. तो आपको याद रखना है जब भी LLP होगा तो LLP में audit करना compulsory है अगर आपका contribution 25 lakhs के ऊपर जाएगा. So whenever your contribution exceeds 25 lakhs it is compulsory to do audit. Next question देखते हैं.
डिस्काउंट ऑन, दिस इज द ट्रू और फॉल्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस. तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस. एक्यूमुलेटेड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्टिशियस असेट्स. तो जो हमारे असेट साइड में लास्ट पॉइंट्स में आते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी, जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस है. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वो भी इसमें ही आएगा. तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड द आंसर इज ट्रू. तो बिकॉज ये आपका फिक्टिशियस असेट्स बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पर्सन कैनॉट एक्ट एज एन अंडर राइटर अनलेस ही होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय. कोई भी पर्सन अंडरराइटर नहीं बन सकता जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. किसका सर्टिफिकेट चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो इन चारों में से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन. अंडरराइटर कब तक नहीं बन सकता? जब तक उसको सेबी का सर्टिफिकेट ना मिले, बिकॉज सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट. तो आपको ये ध्यान रखना है अकॉर्डिंगली कि जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, उस पे आपका आंसर बनेगा सेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एलएलपी कैन बी डिसॉल्वड बाय द ऑर्डर ऑफ. तो एलएलपी जो है दैट कैन बी डिसॉल्वड बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या एनसीएलटी. तो आपको ध्यान रखना है कि एलएलपी कब डिसॉल्व हो सकता है? हाई कोर्ट के परमिशन से, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के परमिशन से या फिर एनसीएलटी. एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. तो इसका सही आंसर है एनसीएलटी. तो एनसीएलटी ही डिसॉल्व कर सकता है. सारे राइट्स अभी एनसीएलटी के पास है जो एलएलपी को डिसॉल्व कर पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू. तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अमालगमेशन. द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट या प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट. तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा या जो भी आपका लॉस होगा, ये दोनों ट्रांसफर होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में. तो इसका सही आंसर है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. This is the last question. When the benefit of firm underwriting is not given to the underwriters, then the firm underwriting is treated as unmarked applications, the firm underwriting is treated as marked applications and the firm underwriting is ignored, या none of the above. देखो, अगर हम options के basis पे जाए तो ये उसका option तो नहीं हो सकता, none of the above, ignored भी नहीं हो सकता. इन दोनों में से ही हमारा option है. सो मैंने आपको बताया था, when the benefit of firm underwriting is not given to the underwriters, अगर हम देखें not given, तो not given रहेगा, तो आपका सही आंसर बनेगा firm underwriting is treated as unmarked applications. तो firm underwriting will be treated as unmarked applications. So this was the 12 MCQs which we have discussed today. So that is the points related to the MCQs as concerned. If you really like the video, like करो, share करो अपने friends के साथ, subscribe the channel Last Minute Revision with RSM and press the bell icon for further notifications. Till then, as always, work harder, be smarter.